माशाल्लाह किस तरह बूटे नीचे देखे सपोर्ट दी हुई है, उन्होंने सपोर्ट दे दे के बूटों को खला किया। अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल चाल है, ठीक है खैरिस्त? आज हम व्लॉग शुरू करते हैं, तो व्लॉग पूरा देखिएगा, आज मज़ा आएगा आपको व्लॉग का। तो आज मैं जा रहा हूँ ज़रा आपको बाकी सैर कराने। मालिक का नाम है अबरार उल हसन हाशमी, अबरार हुसैन हाशमी के नाम से मशहूर है, उनका एक बड़ा स्कूल भी है यहाँ पर दुनिया में, दुनियापुर में। तो चले व्लॉग करते हैं शुरू, आइए व्लॉग आपको दिखाते हैं। तो अभी मेरा बेटा कैमरा चला रहा है, आपको इसकी कैमरा मैनी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना है। तो सरसों का साग, ये है साग की फसल है, आपको नज़र आ रही होगी। तो आपके लिए जब मौसम सर्द आ गया तो अब साफ ज़ाहिर है मौसम के साथ साथ फल भी आ गए ने। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बाग में माल्टे किस तरह माशाल्लाह लगे हुए हैं, और ये आपको पीछे नज़र भी आ रहे होंगे। तो मैं ज़रा आपको ये नज़ारे दिखाऊँ माल्टों के बाग का, तो अभी तैयार भी नहीं हुआ मुकम्मल, मैं आपको मुकम्मल दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह किस तरह लदे पड़े हैं फल के ऊपर, ये देखें किस तरह माशाल्लाह लगा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा देखें, देखें जी माशाल्लाह किस तरह लगे हुए हैं, हाथ लगाने से कर रहे हैं, ये हाथ भी लगाते हैं तो फिर भी कर रहे हैं। एक बूटा ये है देखें जी माशाल्लाह किस तरह लदे पड़े हुए हैं, ये मेरा बेटा भी साथ ही है। हाँ भी बिशारत माल्टे खाने नहीं, सर्दी है। ये देखें जी माशाल्लाह किस तरह बूटे नीचे देखे सपोर्ट दी हुई है, उन्होंने सपोर्ट दे दे के बूटों को खला किया हुआ है, ये सपोर्ट दी हुई है बूटे को भी ताकि ये बूटा नीचे गिरे ना माशाल्लाह। इस तरह ये देखें अभी ये भी सपोर्ट्स दी हुई हैं, साथ नीचे भी काफ़ी ज़्यादा वजन है और नीचे गिर रहे हैं बूटे, ये देखें काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह इस दफ़ा फल है माल्टे का। ये ऊपर देखें तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, ये देखें कितने माशाल्लाह, तो नीचे से सपोर्ट दी हुई है अभी कहीं बूटे टूटे ना, और इतने माशाल्लाह अच्छा फल इस दफ़ा है माल्टे का। अभी ये फुल तैयार नहीं हुए, अभी तकरीबन मेरा ख्याल है ये वाला बूटा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये कमो बेश को 10 दिन तक तैयार हो जाएगा। तो मैं और भी आपको नज़ारे दिखाता हूँ, आज ही बिशारत भाई इधर आ जाए। एक ये बूटा ये देखें माशाल्लाह ये भी फुल लदा हुआ है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के बूटे हैं, यहाँ पर एक किस्म का बूटा नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। ये देखें माशाल्लाह किस तरह लगे हुए हैं, ये देखें सपोर्ट कितनी अच्छी सपोर्ट्स दी हुई है नीचे, देखें बूटों की हिफाजत की हुई है फुल। तो अभी ये देखें कुछ पौधे ना कुछ बीमारी की वजह से ये पौधा सूख चुका हुआ है, किसी वजह से ये कोई बीमारी आ जाती है बस वो नहीं पता चलता तो गिर जाते। ये उस साइड पे कुछ और बूटे हैं ठीक किसी चीज़ के हैं, तो ये है इस तरफ ये आ गया एक लेमू का बूटा है बीच में, ये लेमू का बूटा लगा हुआ है एक, ठीक है ये इसके ऊपर अभी फल नहीं है। देखिए माशाल्लाह सही सपोर्ट दे देकर नीचे बूटों को ना दरख्त पौधों को काबू किया हुआ है, काफ़ी सपोर्ट्स दी हुई नीचे ताकि भी गिरे ना। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फल है, आपको नज़र भी आ रहा होगा ये किस तरह का फल है, वो देखें आपको उस तरफ छोटे छोटे बूटे हैं, और वो एक बूटा है कुछ और है नस्ल का उसका पता नहीं, क्या आप देखते हैं वो कौन सी नस्ल है, छोटा सा बूटा और उसको भी काफ़ी ज़्यादा माल्टे लगे हुए हैं, बिल्कुल छोटा सा है और माल्टे भी छोटे छोटे ही हैं इसको। ये देखें, ये देखें अब माल्टा, तो अब हम इसको छील के खाते हैं और देखते भी हैं ये किस तरह का है। हाँ। देखो जरा बिल्कुल जी छिल भी खादा है, मीठा माल्टा है। ये देखें जी माशाल्लाह फुल लदे हुए हैं, फुल छोटे छोटे बूटे हैं, ये देखें बिल्कुल छोटा सा बूटा है ये भी, ये देखें ये भी छोटा सा बूटा है, इसकी इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है तो फिर भी इसको किन्नू लगे हुए हैं। ये देसी माल्टा जिसको कहते हैं ना वो है देसी माल्टा, बारीक छिल वाला, इसकी जल्द है ना जो बिल्कुल बारीक है, वो बड़ी मोटी मोटी जल्द वाला नहीं है, ये बारीक जल्द वाला है। तो ये हमारे दुनियापुर के पास ही लगा हुआ है, आ गया इस मौसम का, मौसम सर्दियों का ये फल है, तो चलो क्यों ना हम भी इसका एक व्लॉग बना दें। तो ये भी एक, तो ये भी एक मेरी बैक साइड पर भी लगा हुआ बूटा माशाल्लाह, देख रहे होंगे आपको ये फल नज़र आ रहा है एक पीछे थोड़ा साइड पर, ये देखें किस तरह लदा हुआ है माशाल्लाह, ये देखें कितने। तो यहाँ पे काफ़ी माशाल्लाह अच्छे बूटे हैं, टोटल वो देसी टाइप का जिसको कहते हैं ना किन्नू माल्टा, वो देसी वाला है, वो एक होता है मोटी मोटी जल्द वाला, बड़ा बड़ा वो नहीं है, ये साइज़ में छोटा ज़रूर है। ये देखें अब मेरे पीछे, ये देखें साइज़ में बिल्कुल छोटा है ये वाला भी, तो लेकिन काफ़ी मज़े का है ये। अब चलते हैं हम बाहर ज़रा, तो अगर व्लॉग मेरा आपको अच्छा लगा हो तो ज़रा देखिएगा, बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी ये माल्टा फुल तैयार नहीं हुआ, ये देखिए ये अभी ग्रीन है, अभी तक ग्रीन है,
तो बैर मालक भी बैठा हुआ गाड़ी में जिसका ये बाग है। पहले हमने उससे इजाज़त ली है भी आपके बाग में हमने एक वीडियो बनानी है, एक व्लॉग बनाना है यूट्यूब के लिए। उन्होंने इजाज़त दी भी बनाओ जिस तरह का मर्जी बनाओ। तो हम अब चलते हैं बैर दिखा। ये देखें माशाल्लाह किस तरह सपोर्ट दी हुई है नीचे, पौधों को सपोर्ट दे देकर। और ये देखें कितने इस तरह के माशाल्लाह देखें, ये देखें इस बूटे को भी सपोर्ट। ऐसा बूटा कोई भी नहीं है जो मेरी नज़र में ना आ रहा हो जिसको सपोर्ट ना दी हो। ठीक है, ये आम का दरख्त है, इसकी तो अभी मौसम नहीं है, जो तो गर्मियों का फल है ना आम। तो ये देखें अब माशाल्लाह ऐसा बूटा मेरी नज़र में कोई भी नहीं आ रहा जिसको सपोर्ट इन्होंने ना दी हो। तो ये था आज हमारा डेली रूटीन का व्लॉग, आपको किस तरह का लगा तो बताइएगा ज़रूर। यह है डेली रूटीन का, ये भाई फिर रहे काम करते हुए बीच में बाग के। ठीक है जी, वो आपको गाड़ी नज़र आ रही है, ये मालिक है इस बाग का, वो बैठे हुए उनसे हमने इजाज़त ली थी। तो ये देखें हर बूटे को सपोर्ट दी हुई है उन्होंने, देखें जी। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।